हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू एंड योर फैमिली मेंबर आर सेफ एट होम। यस और नो? सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द ऑनलाइन क्लासेस। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके, सो द चैप्टर इज फिनिश द मैग्निफिसेंट एनिमल किंगडम। सो टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। ओके, सो प्लीज माई डियर स्टूडेंट, गो थ्रू द वर्कशीट वर्कबुक और पेज नंबर व्हाट 10। ओके, सी हियर द पेज नंबर 10। ओके, सो गो थ्रू द पेज नंबर 10। सी हियर पेज नंबर 10। ओके, सो इन द ओके सॉरी हाँ या सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म अडाप्टेशन। ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ओके, सो व्हाट इज अडाप्टेशन? द चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स टू लिव ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अडाप्टेशन। ओके, सो द चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स टू लिव ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अडाप्टेशन। ओके, यू हैव टू राइट इट। देन कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज ए हैबिटेट? नेम द डिफरेंट हैबिटेट ऑन द अर्थ। ओके, सो ऑलरेडी टोल्ड यू द नेचुरल होम और सराउंडिंग वेयर प्लांट और एनिमल्स लिव, ईट, रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड हैबिटेट। ओके, सो इन द अर्थ सरफेस सो मेनी हैबिटेट इज देयर। लैंड इज देयर। ओके, वाटर इज देयर। यस, सो द नेचुरल होम और सराउंडिंग वेयर प्लांट एंड एनिमल ईट, लिव एंड रिप्रोड्यूसेस इज नोन एज हैबिटेट। ओके, सो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट? सो यू कैन राइट एग्जाम्पल वाटर। वाटर देन टेरेस्ट्रियल। ओके, यू कैन राइट। ओके, दीज आर द सो मेनी हैबिटेट इन द आवर अर्थ सरफेस। ओके, यू कैन राइट डेजर्ट हैबिटेट, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट हैबिटेट डेजर्ट हैबिटेट, और यू कैन राइट एक्वाटिक हैबिटेट। ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यस, सो दीज आर द सो मेनी हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव, ईट एंड रिप्रोड्यूसेस इज नोन एज हैबिटेट। टेल मी योर हैबिटेट। योर हैबिटेट इज हाउस, बिकॉज यू आर स्टे लिव इन हाउस, इट ईट इन हाउस एंड यू आर स्टडिंग इन हाउस। सो दिस योर हैबिटेट इज हाउस। क्लियर? देन कम टू क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डू इंसेक्ट ब्रीद? ओके ओके, हाउ डू इंसेक्ट ब्रीद? द इंसेक्ट ब्रीद बाय ए टीनी ओपनिंग। टीनी मीन्स स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पिरेकल। ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व द इंसेक्ट, दे हैव ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड अ स्पिरेकल। दिस स्पिरेकल कनेक्टेड ए नेटवर्क। ओके, सो ऑन द स्पिरेकल सो नेटवर्क लाइक नेट लाइक। ओके, नेट लाइक स्ट्रक्चर इज दे आर। सो दिस नेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ट्राकिया। दिस ट्राकिया कैरी ऑक्सीजन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स द टेक ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड आर द अनवांटेड पार्टिकल, इज हार्मफुल पार्टिकल फॉर गैस फॉर आवर बॉडी। सो टेक ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। यस, देन मूव टू क्वेश्चन नंबर डी। ओके, सो द चीता लिव इन ग्रास लैंड, हाउ इट इज अडेप्टेड इट सेल्फ? चीता, हैव यू सीन चीता इज स्टेइंग इन ग्रास लैंड? चीता इज द ओनली द फर्स्ट वेरी फर्टेस्ट एनिमल इन द ग्रास लैंड। यस आर नो? सो चीता इज ए फर्टेस्ट एनिमल ऑन ग्रास लैंड। ओके, ग्रास लैंड मीन्स ऑन द टेरेस्ट्रियल लैंड। ओके, द चीता हैज ए लाइट वेट, द बॉडी इज ऑलवेज लाइट वेट, ए लॉन्ग एंड अ थिन बॉडी। द हाउ इज द लेग इज वेरी थीन एंड लॉन्ग। यस, लॉन्ग एंड थीन बॉडी फॉर रनिंग
and flexible, and also they are claws. Okay, claws means they are feet. Okay, help in catching the food. Sometimes cheetah run very fast and catch the deer, rabbit. Yes, how they catch with the help of their claw. The claws are very hard and so many nail is there. Very hard nail is there. In that nail, they poaching the grassland animals. Yes, so in that way, the cheetah is adapted in the grassland because the leg is very thin, and which is help in the running. Yes. Okay. Come to question number E. Okay. So why do monkey and apes have a eye in front of their head? Have you observed monkey and apes? They have eye in front of their head. Yes. So why? Because monkey and apes, they are staying in a very high distance. Means they are staying in a very long tree. Okay. So even by chance, if they fell, they will be injured or they will be die. So that's why they have eye. They judge the distance. Yes. Monkey and apes have eye in front of head to judge distance from the tree. Because जो monkey and apes हो वो पेड़ में बहुत दूर रहते हैं. ओके, सपोज उनको गिरने का बाई चांस है तो वो क्या करते हैं, उनका आँख से वो देख लेते हैं बहुत डिस्टेंस है, नहीं गिरेंगे. ओके, इसलिए दे हैव आई इन देयर हेड एंड दे हैव आई इन फ्रंट ऑफ हेड. ओके, सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन आंसर. आई होप यू हैव टू कम्प्लीट योर वर्क बुक. ओके, and next period I'll discuss your remaining question answer. Okay, thank you.